जाती हो क्या? यकीन? हाँ झूठ। यकीन रखना होगा, यकीन रखना होगा। बोलो क्या रखना होगा? यकीन। जोर से यकीन। और जोर से यकीन। यकीन तुम्हारे औलाद जरूर होगी, मैं देख रही हूँ। 10 किलो चावल 10 किलो बांटो। 10 किलो चावल? कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। अगले 8 साल भी बांझपन ना गुजरे इस वास्ते 10 किलो बांटो अभी। नहीं 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 अभी चावल लेकर आओ। अब और ऐसे करो सूजी भी ले आओ ताकि हलवा भी बना ले, और ये दोनों चीजें तुम्हें सलीम की दुकान। सलीम की नहीं, बशीर की दुकान। क्यों, सलीम के चावल से बच्चा नहीं होता? भाई अब तो ये फोन भी डेड हो गया। अरे यार मैं भी कल से फोन कर रहा हूँ, साला अनवर एक बार तो फोन उठाए। पानी भी खत्म हो गया है, बानू के पास भी थोड़ा सा पानी है, बर्तन गंदे पड़े हैं, कपड़े खट्टे हो गए। अरे भाई सांस तो ले लिया करो। फजल भाई जरा जल्दी कर ले, जाना है। आखिरी बार इनके अब्बा ने हमारी शादी पे ये बात कही थी, आज तक भुगत रही हूँ। मेरा ख्याल है मैं अकेले ही हुआ था अनवर के पास, शायद घर आ गया होगा। आप अब जाइए देखिए। किरत हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को? सर पर चोट आई है, गर्दन में दम ना गई हो। राबिया से डॉक्टर पास ले चलते हैं। जल्दी करें। हाय मेरी बच्ची क्या हो गया? अरे शुमाइला, सीमा, खुशी काम भाई, तुम सब लोग। पता नहीं वक्त पड़ता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ बख्ते गायब हो जाती हैं। बात सुने, वैसे आपके कितने बच्चे? बेटा मेरी तो कोई औलाद नहीं। क्यों, आपने सलीम के चावल बांटे थे? अरे इनके खुद के बच्चे नहीं है, मेरे कैसे करवाएंगी? अरे मैंने डॉक्टर को दिखाया है, हो जाएगी इंशाल्लाह औलाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे दम दुरुस्त की गारंटी से औलाद होगी। ओहो मुझसे तो दूर रहो, और बच्चे नहीं चाहिए मुझे। इसको संभालो। क्या हुआ? क्लिनिक जा रही हूँ, किरण को चोट आई है। अरे और ये यहाँ क्यों आई थी? खाला ने बुलाया था दम करवाने के लिए, ताकि बच्चा हो जाए बच्चों का। ओहो बच्चों का क्या करना है? क्या करूंगी, खुद छट्टा करके बैठी है। पछता भी तो रही हूँ, इतने बच्चे पैदा करना ना अच्छा नहीं है। कमर में मेरे दर्द है, खर्चे अलग, और किरण की हालत भी ना इसीलिए खराब है कि एक के ऊपर दूसरे बच्चे पैदा कर लिए। बानो ने ना मुझे बताया भी था फैमिली प्लानिंग के बारे में, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने ना एक ना सुनी। कहा उसकी शादी तो हो ही नहीं है, इसलिए चाहती है किसी और का घर भी ना बसे। अच्छा चलो उसको संभालो, मैं आती हूँ, मैं अभी आके लेके जाती हूँ उसको। बानो बाजी पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्या बाजी, आप तो मोहल्ले की डॉन बनी फिर रही हैं। भाई से भी पूछेंगी अब? नहाने के लिए चाहिए। You know how much I'm in love with toilet. चल निकल यहाँ से, बूंद भर पानी नहीं है घर में, इन शहजादे को नहाने के लिए पानी चाहिए। पहले भी तुम्हारे नहाने की वजह से पानी खत्म हुआ था। चलो भागो यहाँ से। ठीक है, दिल पे लिख गई है मेरे बात। प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा ही हुआ ना बाल भाई, आपका कोई बेबी नहीं है। क्या हुआ इसको?
कब से कोशिश कर रहा हूँ, चुप ही नहीं कर रहा। तुम ट्राई करो। चुप हो जाओ, क्या हो गया? चुप हो जाओ। तुमने कैसे चुप करा दिया? वहां से फीडर लाओ, इसका भूख लगी होगी। अच्छा। तो सुकून से रहता है ना तुम्हारे साथ? आप लोग ही रखते हैं इसे। मनवा जी कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। अम्मा पांच मिनट। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? हम बानवा जी कहाँ जा रहे हैं, इसका डायपर बदलना है, पानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। जाओ मेरी चादर लेकर आ जाओ जल्दी से। ले आओ चादर जल्दी। जी चलो। अस्सलाम वालेकुम बानो। वालेकुम अस्सलाम। बानो बाजी वो बरकत का डायपर बदलना है। अच्छा बानो तो मुझे वो लाकर दे सकती हो क्या? वो जो औरत ताज़ा ताज़ा माँ बनती है ना उसका। क्या बातें करती हैं आप फातिमा आपा? बस कुरत को दम करवाना है ना, इसलिए मुझे चाहिए। और उसी से सारा फायदा होगा है ना? जभी तो तुमसे कह रही हूँ मैं। अच्छा तुम लोग अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा ऐसी बातें करती रहती हैं। काफी अरसा हो गया ना बच्चा नहीं हुआ, तो समझती हूँ। हो जाएगा हमारा भी, हमें यकीन है, बस अम्मा सर पे ले लेती हूँ थोड़ा। तुम लोगों ने अब तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर क्यों? मतलब दो साल से तुम्हारी सास कभी कोई दम दरूद कभी कोई हकीम को दिखा रही है, तो उस सब से कुछ फायदा नहीं होगा। एक दफा डॉक्टर को दिखा लो, सही तरीके से चेकअप करवा लो, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ एहतियातन कह रही हूँ। हाँ अगर कोई मसला हुआ तो उसका इलाज करेंगे। एक दिन तो जैसे घर पर रौनक की आ गई थी ना, इसीलिए तो कहती हूँ कि बच्चे की वजह से घर में रौनक है। राबे आंटी के घर वैसे इतने बच्चे हैं, हम सोचे थे कि बरकत हमारे साथ ही रह ले तो हम उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। हाँ? मतलब ऐसे ही सोच रहे थे। बेटी क्या तुम भी यही सोच रही थी? अगर आप लोग ये सोच रहे थे तो हमें क्या मसला हो सकता है ना? आज तुम दोनों को बच्चे के साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो लाइट आ गई। लेकिन वो मेरे बच्चे का खून तो नहीं होगा। लाइट चली गई।